तुम बिजनेस मैनेजर हो, तुम बिजनेस मैनेजर हो अंबानी और अडानी के, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं। अरे काहे का तू चौकीदार है, मच गया देश में हाहाकार है, जीएसटी और नोटबंदी ले बैठा दुकान को, कर्जा ले बैठा किसान को, नशा ले बैठा नौजवान को, अबे 15 लाख का आज भी इंतजार है, काहे का तू चौकीदार है, काहे का तू चौकीदार है। बहनों भाइयों, ब्लैक मनी लाऊंगा। अरे सारी ब्लैक मनी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुमने गुलाबी कर ली, गुलाबी ठोको ताली। बाहर नोटबंदी, और अगर नोटबंदी और जीएसटी ही मुद्दे थे तो इन मुद्दों पे चुनाव लड़ो ना, आओ ना खड़े होके यहां भावनगर में बोलो, बहनों भाइयों तुम्हें नोटबंदी कैसी लगी, पूछो तो जरा, ठोकम ठोक पीछे पड़ेंगे तुम्हारे। फिर बोलो जीएसटी, जीएसटी लगाया 5 लाख सूरत में व्यापारी, एक दिन में खड़े होकर तुम्हारे पीछे पड़ गए, जब धुआं निकला चारों तरफ से तो तुम्हारी चाय फटने लगी थी, तुम्हारी चाय फटने लगी थी, जनता किसी और से पटने लगी थी, और इसीलिए जीएसटी घटने लगी थी। टोको ताली। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अमित शाह साहब ने 700 करोड़ रुपए, और जहां जहां नोटबंदी हुई, 5000 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद, 500 का नोट बंद, और 100 का नोट चालू किया अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, 5000 पाउंड बंद, 1000 पाउंड बंद, 2000 पाउंड बंद, और 50 पाउंड का नोट शुरू किया। यहां अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, उल्टी गंगा बहा दी मोदी तुमने, 500 का नोट बंद किया, 1000 का नोट बंद किया, और 2000 का गुलाबी कर दिया। वाह रे वाह, वाह, ठोको ताली ठोको। मैंने तो गाल गुलाबी सुने, तूने नोट गुलाबी, ठोको ताली चोर के लिए। मैं कहता हूं डंके की चोट पे तो तुम चोर हो, तुमने इस देश को बेच डाला, तुमने अंबानियों की चौकीदारी की। देखा है किसी ने चौकीदार किसी किसान के घर के बाहर खड़ा, बताओ मुझे, देखा है, देखा है किसी गरीब के घर के बाहर खड़ा चौकीदार, देखा है किसी झोपड़पट्टी में चौकीदार, चौकीदार खड़ा होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाहर, और वहां गरीब किसान का जाना, गरीब का जाना वर्जित होता है, मोदी साहब वर्जित होता है। तुम चौकीदार उन्हीं अमीरों के हो, हर कॉन्ट्रैक्ट अंबानी को, सरकारी कंपनियां खत्म हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 4,00,000 करोड़ का फायदा था, 2,092 करोड़ का फायदा, और 2016 में 4,000 करोड़ का घाटा। भेल, बीएचईएल, वो फायदे में थी, 6,000-7,000 करोड़ रुपए के तुमने 8,000 करोड़ में डुबो दिया। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, 1,00,000 करोड़ जेब में था, नंगी करके खड़ी कर दी, नंगी करके 1,00,000 करोड़ से 296 करोड़ रह गए, बर्बाद हुई कंपनियां खरीदवाई तुमने अंबानी की और अडानी की। हम तो सोचे थे कि चौकीदार रहेगा चौकन्ना, ये तो निकला निकम्मा। ठोको ताली, ठोको ताली। एक वायदा तुमने भावनगर के साथ पूरा नहीं किया, और आज गरीब को, किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। वो मामा तो गया उधर, क्या नाम था उसका, शिवराज क्या, हाँ शिवराज सिंह चौहान, मामा तो गयो, और अब ये ऊपर ठाकुर भी गयो, ठाकुर भी गयो, अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेला ठेला। ठोको। अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। नोटबंदी में 700 करोड़ रुपए अमित शाह जी, तुमने अहमदाबाद जिसके बैंक के डायरेक्टर हो वहां जमा कराए 700 करोड़, जयंती भाई ने 600 करोड़ राजकोट में जमा कराए, वो मुंडे जी उनकी बेटी 650 उन्होंने जमा कराए, 22,500 करोड़ रुपया तुमने काले धन का
गुलाबी कर दिया, और यदि 5 दिन में जवाब देना, जवाब देना शाह साहब, आप जवाब देना, यदि 5 दिन में 750 करोड़ जमा होने थे तो 1 घंटे में 12,000 लोग लाइन में खड़े होके अगर 2.5 लाख जमा कराते तब वो होते थे। और 1 घंटे में कोऑपरेटिव बैंक में अगर 12 लोग थूक से गिनते हैं नोट, अगर 12 लोग लाइन में खड़े होकर 2.5 लाख जमा करा दें तो मैं तुम्हारी टांगों से नीचे निकल जाऊंगा। झूठे हो तुम, चोर हो तुम, फरेबी हो तुम, देश को बेचने वाले हो तुम। सीबीआई मार डाली, रॉ के भेद खोल डाले, जुडिशरी उच्च न्यायपालिका चौराहे पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। एक फौज बची थी तो वो योगी कहता है मोदी जी की सेना पकड़ लो पूंछ। काहे का योगी सत्ता का लोभी, खोद दो इसकी गोभी, ठोको ताली। मोदी जी की सेना, ये सेना हिंदुस्तान की थी नरेंद्र भाई मोदी, और हिंदुस्तान की रहते दम तक रहेगी। तुम मुद्दों से भटकाते हो, अब तुम मुद्दों पे आने वाले नहीं हो। तुम जानते हो कि पब्लिक खिलाफ हो चुकी है। 3-3 स्टेट में राहुल जी ने जो कहा, तुमने 5 साल में 365 वादे नहीं किए, और 3-3 स्टेट में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में राहुल गांधी ने कहा था कि जिस दिन सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा किसानों का। 10 दिन तो क्या, 2 घंटे के अंदर 50 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। 2 लाख रुपए कर्जा लेता है किसान और 2,000 रुपया दे नहीं पाता तो तुम उससे ब्लैंक चेक लिखवाते हो, उसे जेल में ठुकवाते हो, पहले डिफॉल्ट पे कोऑपरेटिव बैंक के बाहर उसकी फोटो लगवाते हो। अडानी ने 1 लाख करोड़ रुपया नहीं दिया मोदी साहब, उससे ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया तुमने? अंबानी ने 46,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, उससे ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया तुमने? हैं? इसार ने 37,000 करोड़ नहीं दिया, उससे ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया तुमने? तुमने पेट्रोल और डीजल पे 250% और 400% ड्यूटी लगा दी। तुमने कांग्रेस की सरकार से 5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा कमाए। तुमने अमीर लोगों को 17 लाख करोड़ रुपया एनपीए दे दिया। एनपीए क्या, कि बैंकों के साथ, सरकारी बैंकों के साथ सांठ गांठ करके कर्जा तो ले लो, वापस मत करो। अरे कांग्रेस ने इस देश को 5 गांधी दिए, महात्मा गांधी, सत्य के पुजारी, धर्म पे खड़े, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया देश के लिए, हताहत हो गए। सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर करो, और कौम की सातिर जो कट सके वो सर पैदा करो। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और बीजेपी ने 3 मोदी दिए, नीरव मोदी, ललित मोदी और तीसरा नरेंद्र मोदी जो बैठ गया अंबानी की गोदी। ठोको ताली, ठोको ताली। खड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू, नरेंद्र दामोदर दास मोदी खड़ा है भावनगर में, बुला लो जहां मर्जी बुलाना है। तुम डराते हो ना भावनगर में लोगों को, तुमने लोकतंत्र को डंडा तंत्र बना दिया है, तुमने लोकतंत्र को भय तंत्र बना दिया है, तुमने लोकतंत्र को ट्रोल तंत्र बना दिया है। भय से राज कर रहे हो तुम, लोगों की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती नहीं है, लेकिन सिद्धू है, सरदार भी है और असरदार भी है। करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, खार होता है कांटा, झुका देती जो गर्दन को उसे हम हार कहते हैं। लगाकर जान की बाजी, करे जो देश की रक्षा, रखे जो तार पे सर को उसे सरदार कहते हैं। ये सरदार ललकारता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी तुम्हें, यहां तुम्हारे घर में, यहां चौराहे पे खड़ा होके, यदि तुम में दम है, यदि तुम सच्चाई पे खड़े हो, यदि तुम चोर चौकीदार नहीं हो, तो आओ इस सिद्धू के साथ बहस कर लो,
हिंदुस्तान के किसी कोने में तुम्हारे घर बुलाओ, वहां आ जाता हूं। यदि हार गया तो सिद्धू सदा के लिए राजनीति को छोड़ देगा। आओ मैदान में, आओ मोदी, आओ मैदान में।